हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो माय नेम इज वीरेंद्र सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली नेगेटिव जो हमारे आसपास लोग होते हैं, जो हमारे आसपास नेगेटिव कमेंट होते हैं, उनको कैसे अवॉइड करें. सो सी, वी कैन नॉट कंट्रोल द नेगेटिव कमेंट्स कमिंग टुवर्ड्स आर सेल्फ. ठीक है ना, जो भी किसी ने बोल दिया कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, तुमसे वो नहीं हो सकता, तुमसे ऐसे नहीं हो सकता, कोई भी ये चीज़ बोल सकता है और हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते. सो व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं? हम जो है अपने आप से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को चेंज कर सकते हैं. और इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ. सबसे पहला तो कि जब भी आपके आसपास कोई भी रिलेटिव आपको किसी तीसरे के एग्जाम्पल के साथ आपको कंपेयर करके लो फील कराने की कोशिश करता है या नेगेटिव फील कराने की कोशिश करता है, तो उसको सही करने का, उसको सॉल्व करने का तरीका एक सिंपल सा है कि आप अब उसी रिलेटिव के एक दो बच्चे देखो. किसी भी रिलेटिव के कोई सारे के सारे बच्चे टॉप क्वालिटी के नहीं होते, सारे के सारे जो है ISPCS नहीं होते, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फेल हो रहे होते हैं, कुछ टॉप भी करते हैं. तो आपको क्या करना, उनके फेल हुए एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर लेना है उनसे रिलेटेड. तो जब भी आपसे पूछे बेटा तुम्हारा एग्जाम हुआ क्या, तो आप बोल दीजिए चाचा अरे राहुल का क्या हुआ, राहुल भी तो आपका बेटा था ना, तैयारी कर रहा था. जस्ट क्विक द काउंटर अटैक, ठीक है ना, क्विक काउंटर अटैक अगर आप करते हैं ऐसे रिलेटिव्स पे, तो वो दोबारा आपसे कभी नहीं पूछने वाला. ऐसे लोगों को ऐसे ही सही किया जाता है, इसका कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये लोग हमारे आसपास हमेशा रहेंगे. इनका कह सकते हैं जन्मसिद्ध अधिकार है आपको टोकना, तो आप बस उनको टोक दीजिए, तो 99% में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. ठीक है, 99% में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर आप अप्लाई कर देंगे. तो दूसरा तरीका ये है, दैट इज अ शिफ्टिंग रूल. व्हाट इज अ शिफ्टिंग रूल? ये आपको शिफ्टिंग रूल जो है बुक्स में मिलने वाला नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम शिफ्टिंग रूल से भी अपने चीजों को चेंज कर सकते हैं. जब भी लाइफ में हमें कोई भी चीज बुरी लगे, नेगेटिव लगे, दुख लगे, मतलब कुछ भी लग सकता है, जस्ट तुरंत अपने आप को आपको ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा कि आप 90 सेकेंड्स के लिए, डेढ़ से दो मिनट के लिए उस चीज से अलग हो जाए. किसी ने बोला कि ये तुम बहुत बुरे हो, आप क्या करो 90 सेकेंड्स के लिए वो चीज सोचो ही मत, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो, नहीं ये नहीं सोचना, कुछ और में लग जाओ. जैसे गाना गुनगुनाने लगो, खाना खाने लगो, कुछ ऑफर कर दो, वॉक करने लगो, शांत हो जाओ, कहीं चले जाओ, लेकिन वहां पे उस सिचुएशन को सोचो मत. जितने भी स्टिमुलस होते हैं, नेगेटिव स्टिमुलस हमारी बॉडी में लगभग लगभग 90 सेकंड से 120 सेकंड तक होते हैं, मतलब डेढ़ मिनट से दो मिनट तक. अगर कोई भी स्टिमुलस जो हमारी बॉडी में उठता है, कोई भी नेगेटिव थॉट जो हमारे बॉडी में उठता है, अगर हम अपने आप को उस सिचुएशन से दो मिनट से पांच मिनट तक शिफ्ट कर लेते हैं, तो वो सिचुएशन हमें अफेक्ट करने में बिल्कुल कह सकते हैं कि उस सिचुएशन से जो अफेक्शन होता है, उस सिचुएशन से जो इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, हमारे मेंटल स्टेटस पे, हम उससे काफी बच सकते हैं. ये तरीका मैं खुद अप्लाई करता हूँ, ये तरीका आप अप्लाई करके दे सकते हैं. इट इज नॉट वेरी इजी, बट इट इज इजी, यू कैन. ठीक है ना, बहुत इजी तो नहीं है, लेकिन कर सकते हैं आप, ट्राई कर सकते हैं. जब भी जैसे किसी ने कुछ भी बोला, कोई बुरा लगा किसी के बारे में, आपने जैसे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी की शादी हो गई है देख लिया, किस कोई जॉब प्रमोशन मिल गया, कोई फॉरेन चला गया, जस्ट शिफ्ट योरसेल्फ टू द अदर सिचुएशंस. क्या होता है कि जब हम शिफ्ट नहीं करते, तो हमारा माइंड जो होता है उसी सिचुएशन में चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, कि ये इससे रिलेटेड वो लिंक करते करते, ओवर थिंक करते करते, हम उस सिचुएशन में इतना डेप्थ में घुस जाते हैं, या उस सिचुएशन में जो है हम इतने अंदर चले जाते हैं कि हम अपने प्रेजेंट सिचुएशन को ही भूल जाते हैं. एंड जब ऐसा होता है, सो हम नेगेटिव थॉट्स के अराउंड एकदम जो है घिर जाते हैं. इससे बचने का जो मेरा फंडा है, जो आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज अ शिफ्टिंग रूल. सिंपल एंड स्ट्रेट शब्दों में एक बार मैं आपको फिर बता दूं, अपने आप को 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक उस सिचुएशन से तुरंत अलग कर देना, तुरंत अलग करना. ऐसा नहीं कि मैंने को अभी बोला तो मैं 10 मिनट बाद सोचूंगा, नहीं, तुरंत अपने आप को अलग कर दो वहां से, चुप हो जाओ, कहीं चले जाओ, खा लो, कुछ ऑफर कर लो, गुनगुना लो, म्यूजिक सुन लो, डांस कर लो, एनीथिंग, लेकिन उस सिचुएशन से तुरंत हट जाओ. एंड जैसे आपने शिफ्ट किया, आप ऐसे ही अपने नेगेटिव थॉट से भी शिफ्ट कर सकते हैं. सो अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपके साथ लेके आ सकता हूँ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.